मेरी सो कैसे हैं आप सब गाइस, मेरे चैनल पे आ गई हूँ फिर से मैं बढ़िया सा अपना DIY लेकर। सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स करूंगी आप लोगों के मैसेजेस के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। मैं DIY प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे उसकी मिलती है जब मेरे चैनल पे आप लोग वापस आते हो और रिप्लाई करते हो कि हमने आपके मेकअप प्रोडक्ट ट्राई किया और हमें बहुत अच्छा लगा। तो मतलब दिल ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मुझे कि यार मेरे प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा पसंद आते हैं। गाइस, जो मैं मेकअप प्रोडक्ट बनाती हूँ उसको पहले मैं 10 दिन 15 दिन उसको चेक करती हूँ कि उसके इज इट वर्थ, सही है कि नहीं है, उसके बाद ही मैं अपने चैनल पर उसको शेयर करती हूँ। सो ये मेरा बिल्कुल उसूल है जो मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ, इसलिए ही सबको प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लगते हैं। एंड रियली ग्रेटफुल, रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो और मुझे और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसकी होती है, कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जिनके वो रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप मेकअप नहीं खरीद सकते, बाहर जाना अलाउड नहीं होता, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। बट दे हैव देयर ओन टैलेंट और मेरे चैलेंट को देखकर वो घर के ही प्रोडक्ट से बिल्कुल जो अवेलेबल होता है उससे मेकअप प्रोडक्ट बनाती हैं एंड दे लुक ऑसम इन दैट। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे चैनल से किसी का इतना फ़ायदा होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, आज भी लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया होममेड मेकअप प्रोडक्ट और वो है ब्लश। अब आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, आई नो, और उसमें एक चीज है जो हमारे सबके घर में अवेलेबल है, गेस या यू गेस इट राइट, वो है सैनिटाइजर। आई नो हर कोई सैनिटाइजर की ही बात कर रहा है और सैनिटाइजर को ही यूज कर रहा है। हम लोग थक गए उसको यूज कर करके, बट क्या करें और हमारे पास वो कोई ऑप्शन नहीं है। सो सैनिटाइजर का मैंने सोचा क्यों ना उसका यूज करें, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना यार सैनिटाइजर का यूज करके ही कोई प्रोडक्ट बनाए, बिकॉज सैनिटाइजर में देयर इज वन थिंग व्हिच इज अल्कोहल, और अल्कोहल का यूज करके हम एक अच्छा सा मेकअप प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो वो मैंने ट्राई किया है और वो बहुत अच्छा बना गाइस, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा बना है। सो चलो सबसे पहले दिखा देती हूँ, आपको दिखाती हूँ वो प्रोडक्ट कौन सा है। और देखने से पहले गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है ना, तो क्या कर रही हो, गो एंड फॉलो मी देयर। वहाँ पे भी मेरा नाम जो है वो सुरस्वीत ही है, सो गो एंड फॉलो सुरस्वीत देयर ऑल्सो। सो गाइज, ये है मेरा होममेड मेकअप प्रोडक्ट और ये है ब्लश हमारा। ओके, दिस इज आवर ब्लश। और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर की बहुत बात होती है। सो कंटेनर जो होते हैं मेरे, वो ये मेरे पुरानी क्रीम जो मैंने विंटर्स में यूज़ करी थी, इसे छोटे छोटे पैकिंग क्रीम के आते हैं, 10-10 रुपीज़ की वो क्रीम मिलती है, वो मैं काफ़ी सारे खरीद लेती हूँ विंटर्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे पर्स में हमेशा रहता है। तो उसको मैंने वॉश करके सैनिटाइज करके और फिर उसमें ये बनाया है, ताकि आपको कंटेनर्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कंटेनर्स ना मिलते भी नहीं मार्केट में, अगर आप लेने भी जाएंगे तो क्यूट क्यूट से ना, तो फ्री में मिल रहा है यार, बिल्कुल जुगाड़ करते हैं हम, खर्चा वर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी खुशी उसको बना के अलग मिल जाती है। सो चलिए देखते हैं इसको मैंने बनाया कैसे है ब्लश को, और वीडियो के एंड में ब्लश को लगा के भी दिखाऊंगी कि कैसा बना है, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कैसा बना है। सो लेट्स सी द स्टेप्स। सो गाइस, इस ब्लश को बनाना बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए और उसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा बेबी पाउडर। मैं बेबी पाउडर इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही पतले पतले से होते हैं, क्योंकि बेबी की स्किन पे हार्म नहीं होना चाहिए उससे, इसे मैंने बेबी पाउडर लिया। अदरवाइज आप पॉन्ड्स का, हिमालय का, कोई भी पाउडर आप ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सो इसको लेना है डिजायर्ड क्वान्टिटी में, अराउंड 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है सेकेंड चीज़, और वो है हमारा फूड कलर। सो फूड कलर आपको लेना है, और ये आराम से मिल जाता है किसी भी परचून की दुकान पे, ग्रॉसरी स्टोर में, ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल है मिलना, मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव सा लगता है मुझे जो वो बेचते हैं, बट ग्रॉसरी स्टोर में बहुत रीजनेबल 10-15 रुपीज़ के छोटे पैक आराम से मिल जाते हैं, आप वो ले सकते हैं। और उसको हमने उसको मिक्स कर दिया, उस पाउडर को हल्का सा मिक्स कर दिया। अभी आपको ये पाउडर व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा। सो इसके अंदर हम मिक्स करेंगे हमारा की इंग्रेडिएंट, और वो है हमारा सैनिटाइजर। सो सैनिटाइजर को इसमें हमें मिक्स करना है, और इसको जैसे हमने मिक्स किया, आप देख सकते हैं कि जो पिंकी कलर है वो अच्छे से आ गया है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और पिंक चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल ब्राइट सा पिंक चाहिए, तो आप इसे फूड कलर और मिला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बेबी पिंक चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें, मुझे थोड़ा सा ब्राइट चाहिए था इसे मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर और मिला दिया है। सैनिटाइजर को इतना डालिए कि वो अच्छे से आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए,
उसके अंदर, और ये बिल्कुल सेटल हो गया है। इसको अच्छे से फ्लैटन अप कर दें आप अपने स्पैचुला से, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़, और सेटल कर दें इसको अच्छे से। और मैंने कॉर्नर्स भी अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसको आपको फैन के नीचे रखना है काफ़ी कुछ घंटों तक आप रखिए, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा और एक केक की तरह बन जाएगा और हार्डन अप, मतलब वो सेटल हो जाएगा, जो आपका पाउडर है वो बिल्कुल केक के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हमारा मार्केट का ब्लश होता है, और एकदम बढ़िया तरह से ये आ जाता है। सो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है हमारा फिनिश प्रोडक्ट, और आप देख सकते हैं ये हार्ड हो चुका है, और इसमें अपनी फिंगर भी हिला सकती हूँ, और ये इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें हमने सैनिटाइजर डाला है। सो इसको ऐसे मिक्स करके, अभी आपको उसका कलर डार्क लग रहा होगा कॉर्नर्स पे, लेकिन मैं जैसे मिक्स करती हूँ तो ये लाइट, बहुत काफ़ी लाइट फॉर्म में आता है, और ये मेरे हाथ पे आ गया है, आप ब्लश देख सकते हैं। मैं आपको भी इसे फिंगर अपने हैंड पे लगा के दिखाती हूँ। सी हाउ स्मूथ इट इज, और अच्छे से स्प्रेड भी हो गया, आराम से स्प्रेड हो गया। सी क्या इसका पिंकी पिंकी कलर है ना ये। सो ये ऐसा ही होता है एंड इट इज़ वेरी गुड। और आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। मैं तो भैया, मेरा तो सिंपल सा जुगाड़ होता है, फिंगर्स पे लगाना प्रेफर करती हूँ। सो ये मेरी फिंगर्स पे आ गया है एंड आई कैन शो इट यू ऑन माई फेस, यू कैन सी द पिंक कलर जो ये आया है ब्लश से, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। थोड़ा सा मुझे पसीना भी आ रहा था शूट करते समय, बिकॉज फैन ऑफ कर दिया रखा है, उसकी आवाज आती है, सो थोड़ा सा पसीना आ रहा है फेस पे, बट ये ब्लश फिर भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है, यू कैन सी एकदम से ना, बिल्कुल ना, बहुत प्यारा लग रहा है फेस मुझे अपना। आई एम जस्ट लविंग द वे दिस ब्लश हैज कम। सो ये है मेरा होममेड ब्लश, और मैंने इसको थोड़ा डार्क कलर का बनाया क्योंकि लेने में जब आते हैं तो बहुत लाइट आता है, यू कैन सी मेरे फिंगर्स पे भी है, पर लगाने में बिल्कुल लाइट लाइट आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे ये ब्लश लगा। एंड ये बिल्कुल अच्छा, इसको स्टोरेज को मैंने इसको बनाए हुए मुझे 15 डेज हो गए, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये इतना परफेक्ट बनाया है, आई एम सो हैप्पी फॉर इट। आराम से 15 दिन चलेगा, महीना भर भी चल सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब हो, बिकॉज जैसे होता है ना कुछ, अगर हम फूड आइटम इसमें डाल देते हैं तो वो स्पॉइल हो जाती है, इसलिए हमें फ्रिज में रखना पड़ता है या वो ख़राब हो जाती है, बट ये ब्लश आपका चलेगा बहुत लंबे टाइम तक। एंड गाइस प्लीज़ इसको बनाना और मुझसे शेयर करना कि आपको ये कैसा लगा। आई एम लिटरली लविंग द ब्लश जो मेरे फेस पे आया है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑल्सो कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट बना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना गाइज, एंड तब तक गाइज अपना ख्याल रखें, बी सेफ, प्रिकॉशन ज़रूर मेंटेन करें, जो भी कोरोना वायरस की वजह से हमें करना होता है, मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, हाथों को धोना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तब तक यार रहो, चिल आउट रहो, मस्त रहो, मस्ती में झूमते रहो, हमसे जुड़े रहो, टेक केयर, बाय बाय।